ऊंचे भावों पर लिवाली का अभाव बना होने से इन दिनों बिनौला खल में गिरावट का रुख देखा जा रहा है। यही कारण है कि 2-3 सप्ताह के दौरान बिनौला खल में 200 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर मंडी में बिनौला खल के भाव 3750 से 3950 रुपये क्विंटल पर घटाकर बोले जा रहे हैं। उत्पादन केंद्र पर इस साल कपास की पैदावार कम होने से बिनौला खल में ज़्यादा मंदी के आसार नहीं हैं। पंजाब की मंडियों में बिनौला खल 3800 से 3900 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकने के समाचार हैं। चालू सीजन के दौरान देश में कपास का उत्पादन कमज़ोर होने की आशंका के चलते बिनौला की उपलब्धता घटने की संभावना है। लिहाजा देश की विभिन्न मंडियों में बिनौला खल की कीमतों में और गिरावट की गुंजाइश नहीं है। इस बीच बिनौला खल वायदा में सटोरिया लिवाली के कारण NCDEX पर भी मामूली उतार चढ़ाव बना हुआ है। सप्लाई एवं डिमांड को देखते हुए बिनौला खल में लंबी मंदी के आसार नहीं हैं। बिनौला खल में मजबूती बनी रहने से ब्रांडेड पशु आहार के भावों में भी लगातार तेजी देखी जा रही है। एक तरफ जहां कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए ये अच्छी खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ पशुपालकों के लिए भी ये अच्छी खबर है। बिनौला और बिनौला खल के दाम में आई कमी से पशुपालकों को अब ऊंची कीमतों पर इसे नहीं खरीदना पड़ेगा। आने वाले कुछ ही दिनों में पशु आहार की कीमतों में आई इस नरमी का असर दूध और घी की कीमतों पर भी पड़ेगा। जल्द ही दूध और घी के साथ साथ दूध से बने सभी उत्पादों की कीमतों में नरमी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।